बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना खालिद, आप देख रहे हैं देसी फैमिली किचन। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों और बरकतों वाला महीना है। तो मैं आपके साथ इसी तरीके से रोज़ ही जो भी सहरी बनाया करूँगी शेयर करूँगी। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो आलू के पराठे मैं तैयार कर रही हूँ, इसकी जो रेसिपी है वो हमारे चैनल पर मौजूद है। पेड़े तैयार कर करके रख लेंगे तो फिर जल्दी से पराठे तैयार हो जाएंगे। रमज़ान का महीना जो है ये बड़ा बरकतों वाला है, तो आप कोशिश किया करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अभी फ़िलहाल कोई बच्चा उठ के नहीं आया है जो मेरे साथ मदद करे, उठा के आई हूँ। हम लोग नीचे होते हैं तो इसलिए बच्चे ऊपर सोते हैं, तो उनको उठा के आई हूँ। दो सादे पराठे के पेड़े कर लिए हैं और चार में मैंने आलू की पिट्ठी डाल ली है। तो अब चलें बनाना स्टार्ट करते हैं पराठे। कल बच्चों को छुट्टी थी इसलिए सब ने रोज़ा रख लिया था, आज बच्चों ने स्कूल जाना है तो इसलिए मैंने कहा आज ना रोज़ा रखें, तो इसलिए सैरी में इतने ही पराठे बनेंगे। चूल्हा जला लेते हैं, तवा गर्म हो जाए तो फिर हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें एक पराठा तैयार होने वाला है हमारा। और साथ साथ हम दूसरा पराठे की भी तैयारी करते हैं। बेटियों के लिए पैगाम है कि रमज़ान का महीना है तो मामा के साथ काम करवाया करें, बड़ा ही स्वाद होता है जब आप सहरी सब मिलके तैयार करते हैं। और जो जो बेटी भी देख रही है वो भी अपनी मामा के साथ इसी तरीके से काम करवाएं तो स्वाद लें। चलें जी, यहाँ पे आमलेट भी तैयार कर लेते हैं। पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। चलें जी, आमलेट तैयार हो गया, अब चलते हैं दस्तरखान की तरफ। चलें जी, सब दस्तरखान पे पहुँच गए हैं, सैरी करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, सब ने सैरी कर लिया, अब दुआ मांग लेते हैं। वबिसौमी गा दिन नवई तू मिन शहरी रमदान। उम्मीद है आपको सैरी का व्लॉग पसंद आया होगा। आप अफ्तारी में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।